आजमगढ़ सगड़ी तहसील के बनकटा बाजार गोसाई में मुकेश राय पीसीसी सदस्य भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को महंगाई भ्रष्टाचार आदि को लेकर पदयात्रा निकाली गई और आम लोगों को कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का संदेश देते हुए लोगों को आकर्षित किया गया। विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है जिससे गरीबों मजदूरों की कमर टूट गई है। पहले तो अपना हम परिचय दें, हम मुकेशरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और सगड़ी विधानसभा के निवासी हैं। ये महंगाई वर्तमान सरकार ने इतना बढ़ा दिया है, डीजल जो कांग्रेस गवर्नमेंट में 64 रुपये लीटर था, मनमोहन सिंह जी ने छोड़ा था, आज जो है 100 के पार चला गया है और 10 रुपये कम करके झुंझुना थमा रहे हैं, भुलावना दे रहे हैं, कोई इसे जो है भूलने वाला नहीं है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, रसोई गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपये चला गया है। इस समय इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी ज़बरदस्त समस्या है कि महंगाई डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से सारी अव्यवस्था चौपट हो गई है। सब्जियों का दाम बढ़ गया है। आज हम लोग योगी और मोदी सरकार जो इनके कान एकदम समझ लीजिए कि उसमें कचरा भर गया है, हृदय में इनके दिमाग में तो कचरा था ही, इनके कानों में भी कचरा भर गया है, इनको सुनाई समझ में नहीं आता है इन लोगों को, उसी लिए जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मजबूरन हम लोगों को ये माला पहनना पड़ रहा है, 100 रुपये किलो बैंगन मिल रहा है, 100 रुपया भिंडी बिक रही है, करेली है 90 रुपया किलो बिक रही है। जो अगर कोई शुगर का मरीज होगा, देखिए ये हमारे मजदूर भाई मजदूरी करते हैं, गुरु भाई 200 रुपये बता रहे हैं कड़ू का तेल है, क्या गरीब खाएगा? दिन भर में 300 रुपये कमाएगा, शाम को अगर उसके परिवार में 2 बच्चे हैं और बीवी पत्नी है, माँ है, बाप है, 6 लोग अगर परिवार में है तो जो कमाएगा वो तो उसके सब्जी भर को होगा। दवा कहाँ से लेगा, कपड़ा कहाँ से ले आएगा और सारे काम है वो कहाँ से करेगा, शादी विवाह खर्चा कहाँ से उठाएगा? इसलिए हम लोग ये संदेश इनको देना चाहते हैं, इसलिए ये एक बार में सुनने वाले नहीं है। जब 700 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पर, किसानों की समस्या इनको समझने में जो है साल भर लग गया, शहीद हो गए, तब उसके बाद इनको समझ में आया है तो इन्होंने काला कानून वापस लिया है। तो हम लगातार हम लोग यह मांग कर रहे हैं और अब की बार भुलावे में यह जनता नहीं आएगी। यह हमारे गरीब मजदूर एकदम परेशान हो चुके हैं, ये लोग खून चूसने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का सारा टैक्स हम लोग देते हैं, गरीब जनता देती है, उसके बाद भी आज ये जो प्याज है आपकी बिक रही है 60 रुपये किलो बिक रही है, बैंगन बिक रहा है 100 रुपया, करेली बिक रही है 90 रुपया, क्या कारण है? परवल है 80 रुपया, क्या खाएंगे लोग, कैसे जिएंगे, क्या यह सरकार क्या कर रही है? इन्हीं सब टमाटर 80 रुपया किलो है, देखिए बता रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के तत्काल जो है महंगाई पर नियंत्रण ले आवे या सरकार तत्काल लगावे, तब तो जा करके हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जो है शहीद करने थे लगातार चलता रहेगा। अभी तो यह हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चल रहा है, नहीं तो जनता एकदम सड़क पर उतर जाएगी, बेकाबू हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने बनकटा बाजार गोसाई बानवे बाजार गोसाई ब्लॉक मुख्यालय होते हुए पूरे गाँव का भ्रमण करते हुए बनकटा चौक पर पदयात्रा को समाप्त किया एवं नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को जागरूक किया। इस संबंध में पीसीसी सदस्य मुकेश राय ने कहा कि जिस तरह से देश में महंगाई भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी की थाली से दाल और सब्जी पूरी तरह से गायब हो चुकी है और डीजल पेट्रोल के महंगे होने के कारण खाद्य पदार्थ सब्जी अन्य सामग्री आदि महंगी होती चली जा रही है, साथ ही साथ किसान आम आदमी इस महंगाई और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से त्रस्त है। तहसील और थाना पर आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है जिस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। बिना पैसा लिए आम लोगों के काम ना तो पुलिस कर रही है और ना ही पटवारी पैमाइश कर रहे हैं, ऊपर से खाद बीज बिजली पानी सभी कुछ महंगा होने से आम लोगों की कमर टूट गई है। केंद्र एवं राज्य सरकारें टैक्स की बड़ी वसूली कर रही हैं, इन्हें पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस से टैक्स समाप्त कर आम लोगों को राहत देनी चाहिए जिससे लोग भविष्य की योजना बना सकें। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार राय, तेज प्रताप, अकरम खान, इंद्रभूषण यादव, राजदेव यादव, मुकेश राय, अजीत, अंकित प्रजापति, रवि कुमार, वंश राम आदि लोग उपस्थित रहे। ए इज न्यूज़ के लिए आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट।